हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ट्यूटोरियल। आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा गांधी का जन्म दिन होता है। 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी में। एसएससी में या किसी भी एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें महात्मा गांधी का इम्पोर्टेंट रोल रहा था, तो उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़े ही है क्वेश्चन हैं जो पिछले लास्ट क्लास उसमें आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था सर्वप्रथम? तो 1908 में किया गया था। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के तथा अन्य अश्वेत नागरिकों के अधिकारों के कारण प्रारंभ किए गए सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके 2 माह का साधारण कारावास दिया गया था। तो सबसे पहले ही गिरफ्तार किया गया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के पश्चात निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया अब्बास तैयब जी, ये राइट आंसर है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी को गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। तैयब ने ही धराशना सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसका ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया, जिसका जिक्र अमरीकी पत्रकार वेब मिलर ने भी किया है। और गुजरात का वयोवृद्ध पितामह कहा जाता है, गुजरात का वयोवृद्ध पितामह अब्बास तैयब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक सत्याग्रह आंदोलन 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 के साथ प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी मार्च बा जो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 कितने 78 अनुयायियों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और दांडी मार्च में सरोजनी नायडू गांधी जी के साथ चल रहे अनुयायियों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो वह है अहमदाबाद आंदोलन 1918। अहमदाबाद आंदोलन में 1918 महात्मा गांधी ने प्लेग बोनस को लेकर सूती वस्त्र के मिल मालिक अम्बालाल साराभाई के विरुद्ध मिल मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और मजदूरों को उनके मांग के अनुसार 35% बोनस दिलवाया 35% बोनस दिलवाया। इसके साथ इस हड़ताल में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया ने गांधी जी का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से और आमरण अनशन प्रारंभ किया? किसके विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ किया? तो वो था मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिख और आंग्ल भारतीय महिलाओं के प्रांतीय विधानमंडल में निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी गई। साथ ही पृथक निर्वाचन प्रणाली दलित वर्गों पर लागू की गई। इसका विरोध किया गांधी जी ने, और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर प्रारंभ किया, जो 26 सितंबर 1932 तक चला। और 26 सितंबर 1932 को गांधी व अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, उसके बाद ये अनशन तोड़ा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा गांधी जी ने थोरो से ली, थोरो थोरो हेनरी डेविड थोरो एक अमरीकी निबंधकार कवि थे, और थोरो की रचना है फिलोसफी ऑफ सिविल डिसोबियंस से ली गई, तो ये थोरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया किस सिद्धांत के माध्यम से? तो वो था न्यायधारिता, न्यायधारिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने का समर्थन किया। यह गांधी जी अमीरों व गरीबों के मध्य असमानता समाप्त करने के लिए न्यायधारित आर्थिक सामाजिक सिद्धांत के पक्षधर थे, जिसके तहत धनी व्यक्तियों को न्याय स्थापित करके आमजनों के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, वैष्णव जन तो किसने लिखा? ये गांधी जी का प्रिय गीत था, ये लिखा नरसिंह मेहता ने। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? ये गांधी जी के द्वारा दिया गया, करो या मरो का नारा, ये आप सभी को पता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा व कर न अदा करने की प्रेरणा किससे ली? थोरो से, ये मैं बता दिया पिछले क्वेश्चन में बताया, थोरो से ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गए? तो गोखले जी गए थे, गोखले जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, तिलक, तो गोखले जी साउथ अफ्रीका गए थे वहाँ पे। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली सत्याग्रह के बाद, बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, तो उनके बाद उनको सरदार की उपाधि दी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने, किसने गांधी जी को महात्मा कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसके राइटर गांधी जी हैं, गांधी जी ने ये पुस्तक लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी सत्य की अनुभूति रखते थे, तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें धर्म कर्म अहिंसा और ध्यान, तो अहिंसा में रखते थे, अहिंसा में सत्य की अनुभूति रखते थे, अहिंसा इसका राइट आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद गांधी जी ने खादी का, खादी को किसका संकेत माना? तो आर्थिक स्वतंत्रता का संकेत माना है, आर्थिक स्वतंत्रता का खादी को संकेत माना गया है, ये आर्थिक स्वतंत्रता। इसके बाद गांधी जी के अनुसार समाजवाद में क्या होना चाहिए? तो समाजवाद में राज्य का निर्माण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, या राज्य की आवश्यकता है या राज्य की आवश्यकता नहीं, तो राज्य की आवश्यकता नहीं, गांधी जी के अनुसार समाजवाद में सारे मिलजुल कर रहना है, उसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए? तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए थे, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए थे। इसके बाद है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, उसका क्या नाम था? तो नमक कानून के उल्लंघन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून, कानून बनाने के लिए उन्होंने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाकर, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का वास्तविक स्थान जिव्य नहीं बल्कि मन है, यह कथन किसने दिया? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। दोस्तों ये आप ध्यान से पढ़ना, ये सारे क्वेश्चन उसमें SSC में, CGL में, CPO में, CHSL में, या सेक्शन ऑफिसर में, ऑडिटर में, सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चला था। यह महात्मा गांधी के मरने के ऊपर यह कथन किसने कहे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको बोला था कि कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई व्यक्ति कभी इस धरती पर चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपना गया नमक के ऊपर एकाधिकार के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्ताव के संबंध में है? तो क्रिप्स मिशन के संबंध में है। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा? तो भगवत गीता को अपनी माता कहा है, भगवत गीता। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक किया था, ये पत्रिका थी दोनों, महात्मा गांधी इनके संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया? न्यायाधारिता का उपयोग किया, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? 1917 में शुरू किया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की? तो दांडी से शुरुआत की 1930 में। गांधी जी का पहला सत्याग्रह के विरोध में किसानों के लिए कहाँ हुआ? तो चंपारण में हुआ। चंपारण में किसानों के लिए जो विरोध किया, पहला सत्याग्रह किया, वो चंपारण से किया। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया दांडी मार्च। और ये है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा गया है? तो चर्चिल ने बोला गया है अर्धनग्न फकीर, नेक्ड गांधी। इसके बाद पूना समझौता 1931 किसके बीच में हुआ? गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था ये पूना समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे। नेक्स्ट है, सच्चाई अंतिम सत्य है और यह ईश्वर है, यह शब्द किसने कही? तो यह महात्मा गांधी ने कहे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गांधी जी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में नियुक्त हुए थे, बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों ये केवल 44 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 44 क्वेश्चन आप जल्दी याद कर सकते हो। और ये सारे के सारे क्वेश्चन SSC CGL में या CHSL में, CPO में, ऑडिट ऑफिसर में, MTS में, सभी में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे बाहर गांधी जी के बारे में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आप पढ़ लीजिए तो समझो इसमें एक या दो नंबर के क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। तो आप इन 44 क्वेश्चनों को याद कीजिए और ज़रूर आप, मतलब ज़रूर एक या दो नंबर ज़रूर आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ये PDF फाइल है ये डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।